माशाल्लाह पूरा मजमा मोहब्बत से कहते हैं सुभानअल्लाह या रसूलल्लाह। क्या शानदार तकरीर हुई, अच्छी लगी ना? अरे अच्छी लगी, अमल होगा ना, माँ से मोहब्बत करेंगे ना आप लोग। देखिए हजरत मौलाना निजामुल कादी साहब बहुत शानदार गुफ्तगू की है, अल्लाह इज्जत को सलामत रखे, आमीन कहिए ना आमीन। देखिए हम आपके हैं और आप मेरे हैं, शबनम बहुत तेजी से गिर रही है, आवाज फंस रही है, लेकिन मोहब्बत नहीं फंसनी चाहिए, आवाज फंस जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहब्बत में कहीं फर्क नहीं आनी चाहिए। बहुत शानदार गुफ्तगू हुई, बस इतना जरूर कहूँगा कि अपनी माँ से मोहब्बत करो और अपनी माँ की हिफाजत करो। दोस्तों पूरी जिंदगी तकीर की जा सकती है, लेकिन कमा हक कहूँ माँ का दर्जा कोई बुलंद नहीं कर सकता यार। बहुत शानदार खिताब हुआ, हालांकि मैं देख रहा था कि मौला निजामुल कादी साहब पूरे समंदर को कूजा में लाने की कोशिश कर रहे थे, कामयाब भी रहे कुछ हद तक, अल्लाह इज्जत को और सलामत रखे। दोस्तों वक्त नहीं है, अगर इजाजत दें तो तीन शेर आपके हवाले करता हूँ, करें एक शेर। देखिए उलमा पहले उलमा को एक शेर सुनाते हैं, माँ को अपनी निगाह में रखें, उलमा शेर बड़े हमारे बड़े उलमा हैं, इनके हवाले एक शेर, एक शेर। हाँ मैंने ऐलान कर दिया है, हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन निज़ामी साहब की आमद हो गई है, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, हज़ारों के तादाद में उनके अब शागिर्द तो नहीं कहे, वो खुद आलिम हैं, उनके शागिर्द बड़े आलिम हैं, बड़े मुकैर हैं, वो बीच आए हैं, उनकी गुफ्तगू सुनिएगा। बहरहाल दोस्तों एक शेर सुनाता हूँ कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, कुर्सी पीछे कर दी, इसी कुर्सी में मेरा शेर पीछे हो जाएगा। अरे यार वो सही बात है, बहुत शानदार गुफ्तगू हुई भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है, वाह 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 बहुत अच्छे। शेर सुनिए कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, बच्चे फरेब खा के चटाई पर सो गए, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। ये शेर इनके लिए था ये समझ गया, अब शेर आपके लिए दे रहा हूं, पढ़े। अपनी माँ का चेहरा निगाहों के सामने रखिए, जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है अपनी माँ का चेहरा जिंदा है, जब भी दुनिया से चले गए तभी माँ माँ होती है, चेहरा निगाहों के सामने। मैं भी अपनी माँ का चेहरा सामने लाता हूँ, शेर मुलाजा करें, शान और शौकत खरीद लाया हूँ। सी माँ का बेटा बोलेगा और दूसरे की जरूरत नहीं है, शान और शौकत खरीद लाया हूँ, शान और शौकत खरीद लाया हूँ, खैर बरकत खरीद लाया हूँ, शान और शौकत खरीद लाया हूँ, खैर बरकत खरीद लाया हूँ, चूम कर माँ के पांव को यारो, मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। चूम कर माँ के पांव को यारो, मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ। बढ़िया नहीं लगा? मरना है कि नहीं? मरना है ना, कब्रिस्तान जाना है, मौत से बहुत डर लगता है यार, लेकिन कन्फर्म आएगी। अब किसी बूढ़े आदमी के सामने मौत का खाली नाम ले लीजिए, वो लाठी चला के मारेगा, बोले कहाँ ही हटाओ इसको, खाली मरने जीने की बात करता है। उस बूढ़ा को जा खाली कह दीजिए चाचा या दादा नाना जो भी, अल्लाह ताला आपको 10 साल उम्र बढ़ा दे, रुक बेटा तुमको एक कट्ठा जमीन लिख देते हैं, रुक जा, जब बोलो कल चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। ये हाल है जिंदगी का। शेर सुनिए, शेर सुना दे, मौत सामने रखिए, औलमा शेर सुने, कमर बांधे सिराते इश्क में,
सब यार बैठे हैं। सुभान अल्लाह। कमर बांधे सिराते इश्क में सब यार बैठे हैं। कमर बांधे सिराते इश्क में सब यार बैठे हैं। बहुत आगे गए बाकी सब तैयार बैठे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी सब तैयार तैयार बैठे हैं माशाल्लाह। कमर बांधे सिराते इश्क में सब यार बैठे हैं। बहुत आगे गए बाकी सब तैयार बैठे हैं। डर लग रहा मौत से ना, लग रहा मुल्कुल मौत कहीं आसपास में टहल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? बुलावा जिसका आएगा कोई बंदा रुकेगा नहीं जाएगा। बस दोस्तों वक्त नहीं है, मैं बार बार आऊंगा, वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको ठीक ठाक रखें। आप भागिएगा नहीं, जाइएगा आप लोग, जाएंगे आप लोग नहीं जाइएगा, यही घर बना कर रहिएगा। अरे जलसा खत्म होगा तब जाइएगा। दिलबर शाही साहब को सुनना है, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब को सुनना है, हजरत अल्लामा मुफ्ती निजाम साहब अब्दुल मुबीन निजामी साहब को सुनना है, अल्लामा गुलाम अल्लामा आसिफ इकबाल साहब को सुनना है, और फिर हजरत जुबैर जामी साहब। क्या पढ़ते हैं यार, लाजवाब पढ़ते हैं, जबरदस्त पढ़ते हैं। ये नेट वाला देखे, नेट वाला सर कौन कौन चैनल लेके आया है सर? बहुत अच्छा, बैठे रहो बैठे रहिए। डर से नहीं करेगा वो, रिकॉर्ड उठ के चले जाएगा। सुनो यार, तो जनाबे जुमेर जामी साहब बैठे हैं। किधर है भाईजान? सलाम अलैकुम। आइए आइए मेरे भाई, इधर आइए। कम से कम जहाँ कॉन्फ्रेंस हो उसमें से दो चार आदमी को खसका लीजिए, कॉन्फ्रेंस बंद हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये देखिए बहुत अच्छे पढ़ने वालों में शुमार होता है नाम इनका, अच्छे पढ़ने वाले हैं। जब आप इनको पसंद कीजिएगा, जब इनको आप बुलाइएगा, तब एक दिन ये हबीबुल्लाह फैजी बनेंगे इंशाल्लाह, एक दिन दिलबर शाही बनेंगे, ये बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आदमी धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी हिंदुस्तान लेवल के शायर हो जाएंगे। मैं दुआ देता हूँ अल्लाह इन्हें पूरे भारत में दो चार बार दौड़ा दे। आमीन बोलो ना यार। जमीन में नहीं है, स्टेज पर। तो हम चाहते हैं कि इनको आवाज दे दे, ठीक है? पुकार दें, सुनिएगा। हाथ उठाकर बताइए कितना लोग नहीं सुनेंगे। अच्छा सुनेंगे, बहुत अच्छे, सुनिएगा। तो हजरत जुबैर जामी इसी गिरडी गिरने वाले हैं। ये जिला कौन सा है? अरे कौन सा जिला है? गिरडी। गिरडी किसका शहर है? गिरडी किसका शहर है? अरे गिरडी उलमा का शहर है, गिरडी वालियों का शहर है, गिरडी सुन्नियों का शहर है, गिरडी ईमान वालों का शहर है। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। गिरडी मोहब्बत करने वालों का शहर है, गिरडी नबी के दीवानों का शहर है, नबी के चाहने वालों का शहर है, गौसे आदम के चाहने वालों का शहर गिरडी है। उसी गिरडी की नुमाइंदगी करते हैं हजरत मौला जुबैर जामी साहब। इनसे गुजारिश है माइक पर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या डंडी मार रहे हैं आप लोग यार, कोई बोल ही नहीं रहा, ज्यादा ठंडा लग रहा, गर्मी की दुआ करते हैं। ऐसे तो काम चलेगा नहीं यार, जुबैर भाई आ रहे हैं, जिलबर आएगा तो फिर उठा पटक होगा, जानते हैं कितना शरीफ आदमी है। सीधे माइक वाले से झगड़ा करेगा, अनाउंसर से करेगा, आप लोग से करेगा, बोलो इधर से कूदो उधर से फांदो। तो हम पहले तैयार कर लेते हैं, उसको कहने की जरूरत न पड़े, तो उसकी तैयारी अभी कर लीजिए। दिलबर शाही आएंगे तो बहुत झाड़ झूड़ करेंगे, तो पहले ही सफाई कर लीजिए। एक शेर सुनाता हूँ तब जुबैर जामी को बुलाऊंगा। नहीं बोलोगे नहीं बुलाऊंगा कयामत तक। साहिल के तमन्नाई सफीने की तरफ, बोलिए 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 बोलिए। साहिल साहिल के तमन्नाई सफीने की तरफ देख, साहिल के तमन्नाई सफीने की तरफ देख। ये भी दिखा रहा बंदा, बोलिएगा ताली नहीं बजाइए, ताली कौन बजाता है मालूम है आपको?
नहीं मालूम है, ट्रेन में चल लो पता चल जाएगा। शेर सुनिए शेर। आज हम लोग आए थे, आज जिस ट्रेन से आ रहे थे तो मेरा बेटा भी मेरा भतीजा भी, ये दो दो बच्चे थे हमारे, वो आ गए सब बजाने वाले। तो मेरा बेटा से मांग रहा था तो हम इशारा किया है, देखने में दाढ़ी वाला है, कुछ नहीं बोला चला गया। दाढ़ी वाले को देख के चल जाता। एक दिन मैंने उन लोगों से पूछा कि यार पूरे लोग से पैसा लेता, दाढ़ी वालों से नहीं लेता? तो कहा कि दाढ़ी वालों को हम मर्द समझते हैं। एक बार अपने चेहरे पे हाथ फेर लीजिए, पता चल जाएगा। वो कह रहा है कि दाढ़ी वालों को मर्द समझते हैं। थोड़ा सा आईना में झांक लो यार, आईना में चेहरा देख लो, वो चैलेंज तुमको कर रहा। अभी भी मौका है, मौत से पहले दाढ़ी रख लो यार, दाढ़ी रख लीजिए। दाढ़ी पांच आदमी दाढ़ी रख लें तो हम अगला शेर सुना दे। कौन है पांच आदमी जो दाढ़ी रखेगा? कौन है नबी का दीवाना जो पांच को? जल्दी से पांच आदमी आ जाए मुझसे, आ जा मेरे भाई हाथ में लगवा, चार वो बाकी है सब, एक हो गया, एक दूसरा कोई है? कोई है नबी की सुन्नत अदा करने वाला? जी बिल्कुल। जल्दी 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 आ जाए, जल्दी जल्दी। कौन है, कौन है आने वाला? जो आकर बता दे, उलमा गवाही देंगे, तमाम उलमा गवाही देंगे। आप बहुत अच्छे आदमी हो, अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा क्या नाम बेटा? एमडी अतन, ये दाढ़ी रखेंगे। दोनों आदमी मुंह इधर कर लीजिए ताकि इन लोगों को शर्म आए। इधर दूसरा तीसरा कौन है? ना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। पांच को है तो मौलाना दबर साहब जी, मौलाना नदाम साहब, आप जो नदाम पीना बना है वो अब नदाम समर रहा है। हाँ है, माशाल्लाह। दूसरा हो गया, तीसरा कौन आएगा? तीसरा कौन है? माइका लाल, जो अपनी माँ के नाम पे आ जाए उसको सवाब भी मिलेगा और आने से उसकी माँ को भी सवाब मिलेगा। कौन है माँ का बेटा? दुआ कर गवाही दे, पूरे उलमा गवाही देंगे। ये तीसरा चला, आजा आजा बेटा, नारा लगाओ। ये चौथा आ गया, नाम बता, नारा लगाओ, नारे तकबीर। सब हाथ उठा के जवाब दीजिए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मोहब्बते आला हजरत। आए हे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चार हो गए चार यार के नाम पे, पांचवा चाहिए पंजतने पाक के नाम। कौन है जिसे पंजतने पाक के नाम का सदका मिलेगा? हम दुआ करेंगे, अल्लाह अगर पांचवा कोई आ जाए तो रब्बे कायनात से दुआ करूंगा, या अल्लाह इस जलसे के सदके में, पंजतने पाक के सदके में उसे पंजतने पाक का सदका आता। सुभान अल्लाह। नारा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। चलिए माशाल्लाह पांचवा हो गया। ये पांचों पांचों आदमी से सलाम करें। हाँ सलाम कीजिए, आप वापस मिलिए, वापस मिलाइए। अरे ईद में जन मिले से मिलने हो, सब पांचों पांचों से मिलिए। ऐ रिकॉर्ड बनाओ, डालो नेट पे कि पांच आदमी अपनी मर्जी से दाढ़ी रखने का ऐलान किया है। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। अब आप लोग जाइए, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आमीन आमीन। आने वाली आफतों बलियात से महफूज फरमाए। कौन कहता है जलसा में काम अच्छा नहीं होता यार? अच्छा हुआ कि नहीं? पांच बिगड़े लोग सुधर गए। हाँ। तो दाढ़ी नहीं रखे तो सुधर गए। अब इसके बाद आएंगे ना हम, तब उन लोगों को देखेंगे कौन लोग बेटी वाले से दहेज मांगते हैं। उन दहेज खोरों को देखूंगा मैं। उलमा से पूछिए दहेज मांगना क्या है, दहेज मांगना क्या? उलमा फतवा देंगे जहेज मांगना क्या है। तुम तो खुदे मुफ्ती साहब बैठे हो,
हम फतवा बताएंगे जहेज मांगना क्या, हम जहेज खोरों से मिलेंगे। कौन आदमी है जो जहेज नहीं लिया है अपने बेटे की शादी में? रे बाबू ए लो इधर भी जहेज मांग रहा है, बैठो। अच्छा हाथ उठाइए तो कौन ऐसे नेक लोग हैं जो जहेज नहीं लिए हैं फ्री में अपने बेटा की शादी किए हैं? एक हाथ उठा, एक खड़े हो जाए चचा, चचा हुजूर खड़े हो जाइए, नारा लगा दीजिए। तो दूसरा आदमी उधर देखे, दो आदमी है यार रसूलुल्लाह, ये कितनी अच्छी बात है, ये पूरे मजमा में ये दो लोग हैं जो जहेज नहीं लिए हैं, बकिया सब लोग इधर सब मोटरसाइकिल वाले लोग। हम अपने आप को भी, ये सब मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, पैसा भराने के तेल नहीं है मोबाइल में, लेकिन मोटरसाइकिल चाहिए मोबाइल में, करे मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल में ऐसे ऐसे दूल्हा लोग हैं जिसे पेट्रोल भराने के मोबाइल में पैसा नहीं है, बाइक में पैसा नहीं है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के दो चार महीना भरवा लेगा, जैसे छह महीना सात महीना हो गया उसके बाद पैसा नहीं है कि वो मोटरसाइकिल में मोबाइल भरवाए, लेकिन चाहिए बेटा को मोटरसाइकिल। इसमें इधर भी कुछ लोग हैं, इधर भी लिए हैं लोग, अगर हम कसम खिलाए तो बहुत लोग रंगे हाथ पकड़ जाएंगे। जब इधर का ही हाल है तो इधर का हाल, इस पार का जब भी आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब हम इनको नहीं माफ कर सकते हैं तो बेटा आप कहां से बख्शे जाइए। तैयार रहिए, इसके बाद आने दीजिए अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मोमिन नजामी साहब के सामने, फिर दो दो हाथ होगा। आज शेर सुनाए, पूरा मजमा अपनी माँ के नाम पे कहो सुभान अल्लाह। वही लोग बोले जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। अल्लामा नजाम साहब जी, वाह भाई, फिरोज भाई, फारूक भाई, तुमका नमाम सबका नमवा नहीं जान रहा है, बराबर बुलाइएगा तो जानने लगेंगे। शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर। साहिल साहिल के तमन्नाई सफीने की तरफ देख, बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए। साहिल साहिल के तमन्नाई सफीने की तरफ देख, आज जीने की तलब हो तो मदीने की तरफ देख। अल्लाह, जीने की तलब हो तो मदीने की तरफ, इतने बहुत सारे शेर हैं, बाद में पढ़ूंगा, अभी तो आपके हिसाब ले रहे हैं, अभी इन लोगों का भी हिसाब किताब बाकी है। दूसरे राउंड में हमारी माएं हैं, हमारी बहनें हैं, शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक कोई सीरियल छूटता नहीं है, इनकी भी हिसाब, इनका भी हिसाब करेंगे। थोड़ा सा बैठे रहिए आप। तो बहरहाल कायदे से, लेकिन अच्छी बात है मौलाना आदम साहब, एक चीज औरतों में, यहाँ की औरतों में अच्छी चीज देखा कि बेचारी चुपचाप है, वरना चार औरत एक जगह बैठ जाए चुप रहना मुमकिन हो ही नहीं सकता जो चुप रहे। 5 औरत एक जगह बैठ गई ना, एक लड़का लड़की की शादी तय, यहाँ तो पूरा गाँव बैठा, कई तो ब्याह तय हो गया। ये अगर संभल गई ना, अगर औरत संभल गई कायदे से, तो यकीनन उसके कोक से गुलामे गौस पैदा हो जाएगा, गुलामे गरीब पैदा होगा। लेकिन ये मोबाइल रात भर उंगली फेरेगी साहब, तो कौन पैदा होगा? नचनिया पैदा होगा, नचनिया पैदा होगा।